दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल संजू फर्स्ट। पहली बार अगर यूट्यूब चैनल पे हमारे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपको वो कौन से बिजनेस करने चाहिए जो ट्रेंडिंग में हो, जो रोज़ाना यूज करना होता है, ठीक है। इसके बारे में हम फुल जानकारी लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है और बोर मत होना। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है पूरी देखना, और आपके लिए ही बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखा जाता है कि गाँव हो या शहर हो, हर जगह पर वही चीज़ यूज करते हैं और वही बिजनेस यूज करना चाहिए जो कि ज़रूरतमंद हो, ठीक है। जैसे मार्केट में देखा जाए तो अभी पानी पूरी का एक सिस्टम होता है, और पानी पूरी का जो मशीन होता है उसे हमें यूज करना चाहिए। उससे जो है अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है, ठीक है। जो पानी पूरी की मेकिंग मशीन होती है ना, उसका प्राइस बहुत कम होता है, 8 से 10 हज़ार, 10 से 20 हज़ार में भी आता है और 30-40 हज़ार में भी आता है। तो आप लोगों को ऐसी इस कंडीशन में यदि आप सोच रहे हैं कि हमें बिजनेस करना कौन सा चाहिए, तो पानी पूरी वाला बिजनेस जो है बहुत तगड़ा होता है। और इसका मशीन जो है, जैसे बहुत सारे दुकानदार होते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं, पानी पूरी का जो होता है वो बनाने में बड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए मशीन यूज किया जाता है। तो हर जगह पे एक, यानी उसे डिवाइड करने में, हर दुकान पे पहुंचाने में, हर कस्टमर तक पहुंचाने में आपको 1000 से 2000 पानी पूरी का पहुंचाना होता है, ठीक है। अगर आपके पास 10-12 कस्टमर बन गए एक ही झटके में, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। और ये जो है मशीनें एक मिनट में 30 से 40 पानी पूरी बना सकती है, और आपको एक घंटे के अंदर ढेर सारी पानी पूरी बना सकती है, ठीक है। एक घंटे में आप जो है 2-3 दुकानदारों को पहुंचाने के लिए आराम से बना सकते हैं, 3 से 4 हज़ार पानी पूरी आराम से बना सकते हैं एक घंटे में, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारा समय भी बचता है और हमारे पास जो लोग यानी काम पे रखते हैं उसका भी बचता है, और इसके साथ साथ देखा जाए तो फ़ायदा इसमें 2-3 गुना बढ़ जाता है। हर एक ठेले वाला कम से कम 8 से 10, यानी 1000 से 800 यानी पानी पूरी लेते ही हैं, लेते हैं, ठीक है। और बड़े दुकानदार होते हैं जो स्टॉक में रखते हैं, होलसेल वाले जैसे, तो वो जो है एक ही झटके में करीबन 10 से 20 हज़ार पानी पूरी का सेटअप रखते हैं, क्योंकि जो उनके पास ख़रीदा जाता है रॉ मटेरियल, तो उसी के अनुसार वो लोग यानी रख लेते हैं ख़रीद के। तो आप लोगों को यही बिजनेस अच्छा रहेगा, और इस पर जो है अधिकतर फ़ायदा देखा गया है, ठीक है। मार्केट में अभी, मार्केट में निकलोगे पानी पूरी ख़रीदने के लिए, तो एक पानी पूरी का रेट होता है करीबन 3 से 4 रुपये, ठीक है। आप लोगों को 3 से 4 पानी पूरी यानी जो बेसिस में बचता है ना पैसा, इसमें देखा जाए तो 10 से 15 रुपया एक पानी पूरी के पीछे पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है। अगर इसको करना चाहते हैं तो ये पानी पूरी की मशीन ख़रीद लीजिए, और इसका जो रेट है आपको 8 से 10 हज़ार में पड़ जाएगा, और बहुत आसानी के साथ मिल जाती हैं। इसे यूज कीजिए, आपको घर में ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह सेट कर सकते हैं, और इसमें एक आदमी आपके साथ होना चाहिए, आपका काम जो है कम्प्लीटली अच्छे तरीके से और बहुत सारा काम हो सकता है। तो आप दिन में आराम से जो है मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमें दूसरा देख रहा है कि जो ये हमारा कप प्लेट बनाने का मशीन होता है, ये भी ट्रेंडिंग में चलता है, लोगों की ज़रूरत के अनुसार ही चलता है, और ज़्यादातर देखा जाए तो यूज एंड थ्रो वाला प्लेट ही चलता है। तो इसको भी बनाने के लिए ये मशीन का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है इससे फ़ायदा इतना होता है कि पैसा इसमें भी कई गुना बन जाते हैं, ये सेकेंड आइडिया हो गया। और आप लोगों को अगर इसके अलावा भी जाना है, तो जो पेपर प्लेट मशीन होती है, इसको भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पेपर प्लेट जो है हमारा यूज एंड थ्रो होता है, और हर शादी विवाह में यही काम
लगता है। और रही बात वो पानी पूरी की, जो स्टार्टिंग में बताया था, हर शादी विवाह में पानी पूरी कम से कम 3 से 4 हज़ार लगते ही लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मशीन है ना, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इस पर जो है आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये मशीन जो है, इसको परचेस करके आपको एक बार ट्राई करना होगा, ठीक है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी छोटा ही बिजनेस है ये पानी पूरी वाला। और जो पानी पूरी वाला सिस्टम होता है ना, लोग बहुत चाव से पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा दुकानों पे हर एक ठेलिया वाला कम से कम 800 से 900 पानी पूरी बेचता ही बेचता है। तो वहाँ से आपका ख़रीदा जाएगा 1000। तो ऐसे आपके एरिया में ढेर सारे होंगे, तो उनसे कांटेक्ट करके अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमाई हो सकती है। तो ये वाला बिजनेस बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को देखा जाए तो अभी गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, शहर में भी ऐसे हैं, जिनको समझ नहीं आता कि हमें बिजनेस करना कौन सा चाहिए। तो ये चैनल आप लोगों के लिए ही रहता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। और सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो नहीं करोगे तो काफ़ी बिजनेस का जो आइडिया मिलते हैं वो नहीं मिल पाएंगे आपको, ठीक है। ये जो बिजनेस मैं बता रहा हूँ, ये जो है सभी की ज़रूरत होती है और टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग बिजनेस करना चाहते हैं इन सब चीज़ों से हट के, तो उनके लिए भी ढेर सारे ऑप्शन हैं। तो आप लोग यदि वो बिजनेस, ये 3-4 बिजनेस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो है हमें कमेंट कर देना, हम उस पर भी वीडियो बना के देंगे कि आपको बिजनेस कौन सा करना चाहिए, ठीक है। अभी के समय पे जैसे कि 5 से 10 हज़ार रुपये में आप लोग लगाना चाहते हैं, कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। यदि आपके पास फ्री है, फ्री आपका जो कैटेगरी होता है, जैसे कि मोमोज बनाने की भी मशीन आ रही है आजकल, बहुत सारे लोग जो है अपने घर पे मोमोज बनाते हैं कम से कम 2000-3000, और वो जो है दुकान पे डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा खासा ऑप्शन रहे यहाँ पर, वो लोग भी अच्छा खासा वहाँ सेल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों को जो अर्निंग होता है, जो फ़ायदा होता है, वो देखने में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपका दुकान जो है, आप एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारा सामान और इंटीरियर की ज़रूरत होती है, जगह की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो कुछ चीज़ें मैंने बताया है, इसमें जगह ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप लोगों को ऐसी चीज़ें ज़रूर ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमें कौन से लाइन पे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और वो मशीन जो है कम से कम रेट में मिल जाया करे, यही बहुत है। तो ये वीडियो जो है कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताना।